जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे दोस्तों। ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो सुख सुविधा का जीवन नहीं जीना चाहता है? सबको सुख सुविधा वाला जीवन अच्छा लगता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे घर हर चीज़ हो, हर वो वस्तु हो जो हमारे लिए उपयोगी हो। वो इन सब सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए धन की आवश्यकता होती है, लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लक्ष्मी की कमी के कारण हमें अपना मन मार लेना पड़ता है, हमारे बच्चों को किसी चीज़ के लिए रोक लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना धन नहीं होता कि हम इनकी इच्छाएं पूरी कर पाएं। हम अंदर के अंदर टूटते चले जाते हैं। मन करता है कि नहीं, इस चीज़ से क्यों रोकें, लेकिन रोकना पड़ता है। धन की कमी होना दुर्भाग्य की निशानी होता है। धन की कमी होना हम जैसे एक अभिशप्त जीवन जीने का आधार होता है। हम सोचते हैं कि हम हर कार्य को करते हैं, अपने पूरी प्रयासरत रहते हैं, हर कार्य को अपनी पूरे ताकत लगा कर करते हैं, पूरी शक्ति लगा के करते हैं, लेकिन हमें प्रतिफल नहीं मिल पाता। यदि आप भी ऐसी कुछ परेशानियों से गुजर रहे हैं, सामना कर रहे हैं, तो आप बुधवार के दिन किसी भी गणेश मंदिर में जाकर, जो दुर्वा होती है, दुर्वा बहुत ही सभी जानते हैं, दुर्वा मुझे बताने की शायद आवश्यकता ना पड़े, दुर्वा बहुत पूजनीय होती है। दुर्वा गणेश जी और शिव जी को समर्पित होती है और गणेश जी के लिए अति प्रिय होती है, और गणेश जी ही रिद्धि सिद्धिदाता, शुभ लाभदाता, सब गणेश जी के पास ही है। हम जो भी विनती करते हैं, गणेश जी भी इतने भोले भाले हैं, हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं। बस आप किसी दिन बुधवार के दिन आप 11 या 21 गांठे दुर्वा के लिए जाएं, सुबह स्नान करके बुधवार के दिन मंदिर में चढ़ा कर आएँ, समर्पित करके आएँ। साथ ही थोड़ा सा गुड़ उसमें शुद्ध घी मिला लें और इसका भोग लगा लें, भगवान गणेश जी को भोग लगाकर समर्पित कर दें। आप देखना आपके दिन कैसे बदलने लगते हैं, पलटने लगते हैं, आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगती है। आप ऐसा 7 बुधवार कर सकते हैं, आपको 2-3 बुधवार में ही इसका अंतर समझ में आने लगेगा, इसका फल समझ में आने लगेगा। आप धीरे धीरे जब करते जाएंगे, जब आपको लगने लगेगा कि आपके अंदर कुछ पॉजिटिव आ गया है, कुछ अच्छा होने लगा है, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होने लगी है, आप अवश्य करें, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें, आप अवश्य करें। मैं बार बार यही कहूँगी कि आप जो भी कार्य करते हैं, श्रद्धा के साथ करें, विश्वास के साथ करें। हर कार्य में सफल होने के लिए श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत आवश्यकता होती है। आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।